हाय स्टूडेंट्स, तो हम आज मैथमेटिक्स की अपने नेक्स्ट वीडियो को लेके आपके समक्ष पेश हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी, स्टैटिक्स, ठीक है, सांख्यिकी। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्यक के बारे में, उसके बाद माध्य और फिर बहुलक और फिर प्रास, ठीक है। तो इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे माध्यक की, ठीक है, उनको मैं रब कर देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम माध्यक की, मैं सीधा बताता हूँ जो हम इसका फार्मूला यूज करते हैं माध्यांक का, ठीक है। इसको माध्य के माध्यांक भी बोलते हैं हम, ठीक है, वो भी आपने याद रखना है, ठीक है, माध्यांक ये भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला हमारा n प्लस वन अपॉन टू, यानी कि बोलने को n हुई हमारी टोटल संख्या है जमा एक और बटा दो से उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है, वह पद जो है हमारा माध्यांक कहलाता है, ठीक है। इसे जो हम बढ़ते क्रम में संख्याओं का विस्तार करना पड़ता है, इसमें जो है बढ़ते क्रम में, ये तो आपको पता ही है बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम में बढ़ते क्रम में संख्याओं का विस्तार विस्तार करना, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में मैं आपको पहले क्वेश्चन बताता हूँ कुछ, जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, बढ़ते जैसे ये है कोई क्वेश्चन है, आठ सात दस आठ पाँच तीन नौ छः बारह चौदह तेरह सात एक का माध्यांक निकालना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। तो आपने पहले इसको, ये जो है सेकंड डेफिनेशन है, इसको जो हमने बढ़ते क्रम में लिखना, तो कैसे लिखना है बढ़ते क्रम में, पहले सबसे पहले देखना सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है, ठीक है, एक, एक के बाद आपका तीन, उसके बाद आ रहा है आपका पाँच छ सात आठ नौ दस बारह और तेरह और चौदह आ रहा है, ठीक है। तो ये दादा ये जो आपका बढ़ते क्रम में है, ठीक है, ये जो आपने बढ़ते क्रम में हो गया आपका, ठीक है। तो आपका उसके बाद जो है कितनी टोटल एन कितनी है, अब हमने आपने देखना एन टोटल संख्याएं कितनी है, एन इधर कहता हूँ एन एन लिखा, तो काउंट करनी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, एन संख्या कितनी हो गई आपके पास, टोटल हो गई इलेवन, ठीक है। तो इलेवन आपके पास टोटल संख्याएं हो गई, तो आपने अब जो है इसका माध्यांक निकालना है, ठीक है। अब आपको पता आपने ये निकालना है इसका, ठीक है, माध्यांक। तो आपको पता मैंने फार्मूला क्या बताया था, एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। तो एन संख्या आपके पास जो है कितनी है, इलेवन है, तो आपके पास जो है एन संख्या, एन संख्याएं जो है इलेवन आ गई हैं, ठीक है। तो आपने एन माध्यांक, एन आपको पता होना चाहिए इसको फॉर्मूला में, फिर से एन प्लस वन अपॉन टू, तो एन जो है आपके पास ग्यारह है, ग्यारह टोटल संख्या है, प्लस वन, ठीक है, अपॉन टू, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये हो गया ट्वेल्व, कितना हो गया, एक इलेवन प्लस वन हो गया प्लस ट्वेल्व अपॉन टू, तो इसको जो है काट देना है, तो सिक्स। तो आपका माध्यक जो है माध्यांक माध्य संख्या कौन आ गई यहाँ पे, सिक्स आ गई, ठीक है। तो आपने याद रखना ये फार्मूला है माध्यांक का, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, देख रहे टोटल संख्याएं थी आपके पास कितनी थी, ग्यारह, पाँच इस तरफ से कर लो, पाँच इस तरफ से, बीच में जो संख्या बच गई, इसका बोलने का मतलब है जो भी मध्य में संख्या आएगी वो माध्यांक होगा आपका, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सेकेंड हम बात करेंगे अब मध्य की, मध्य की, ठीक है, मध्य की मीन, जिसे हम मीन भी बोलते हैं, ठीक है, मध्य मध्य, ठीक है, इसको हम मीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास जो है संख्याएं दी होंगी, सभी संख्याओं का योग, इसका भी हमने जो है
इसमें इसका फॉर्मूला बताता हूँ मैं, इसका आपको इसमें दिया होगा सभी सभी संख्याओं का योग, आपके पास जो है जितनी संख्या दी होगी उसका योग करना अपॉन सभी संख्याओं का सभी संख्याओं की टोटल संख्या अपॉन कुल संख्या अपॉन कुल संख्या, ठीक है। तो आपके पास जैसे कोई संख्या दी गई है 7, 5, 20, 20, 8 प्लस इसको कॉमा में सॉरी कॉमा 10, ये संख्याएं दी है आपके पास, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं 7, 5, 20, 8 और 10 संख्याएं हैं, ठीक है। तो मैं इसका जो फार्माध्यांक का निकालने का क्या है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याएं कितनी, ये जो है जितनी भी है ये जो है हमारी टोटल संख्याएं जो है ये जो है इनका योग करना है अपॉन कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, इनको 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल कुल संख्या कितनी आपके पास 5 है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब फिर से मैं बताता हूँ इधर, तो आपने अभी जो है माध्य निकालना है, ठीक है, माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग करना है आपने, योग है 7, 5, 12, 12, 10, 32, 32, 8, 40, 40, 10, 50, कुल संख्याओं का योग कितना हो गया आपके पास 50 हो गया, ठीक है। तो अपॉन आपके पास कितनी संख्याएं हैं, तो आपके साथ पास जो थी 5 संख्याएं हैं, देखो काउंट करनी है ये 1, 2, 3, 4 और 5, कुल संख्याएं कितनी है आपके पास 5 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देना 5 से, तो इसकी कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है, ये इसका दैट इज योर आंसर, ठीक है। यही इस दौरान हमें माध्यम मीन निकालना है। बात करता हूँ अब मैं बहुलक की, ठीक है, फार्मूले बता रहा हूँ, ऐसे इनके क्वेश्चन भी होंगे अगर आपसे पूछा जाए तो, कई बार जो है ये बिल्कुल साथ में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। बहुलक बात करूंगा, बहुलक की तो आपने सुना होगा कि अरे ये बहु मतलब बहुलक, बार बार इसका लक लगता है, ठीक है, बार बार किस चीज का आना उसको जो बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन, जो संख्या किसी पुनरावृत्ति में सबसे अधिक बार आए उसे हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। जो संख्या सिंपल में जो संख्या बार बार आए उसे हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। या तो अगर किताब की लैंग्वेज से लिखना है तो आपने जो संख्या पुनरावृत्ति में सबसे अधिक बार आए, ठीक है, तो किताब में इन्होंने ऐसे दिया होगा पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति में सबसे अधिक बार आए। तो बोलने का मतलब सेम है कि संख्या जो बार बार आए वही, ठीक है, पुनरावृत्ति में। तो आपके पास कोई संख्या दी गई है, ठीक है, जैसे कोई संख्या है आपके पास 39, 29, 28, 38, 37, 37, 8, ये संख्या है, ये संख्या दी गई है आपके पास, ठीक है। तो आपने देखा है इसमें जो संख्या में क्या मैंने डेफिनेशन, जो संख्या बार बार आए उसे हम बहुलक कहते हैं, यानी पुनरावृत्ति में सबसे अधिक बार आए, ठीक है, जो ये आपके पास पुनरावृत्ति हुई है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपने इसमें देखना कि कौन सी संख्या बार बार आ रही है, तो नहीं लगता आपको पता तो आपने लिख देना है 29, ठीक है, 28, 38 ऐसे साइड में लिख दिया, 37, ठीक है, 25, ठीक है, और 26 ऐसे लिख दिया। तो आपने काउंट करना 29 एक बार आया, ठीक है, एक ही बार आ रहा है, ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने, दिए, ठीक है, 28 की एक बार,
एक ही बार आ रहा है 28वीं, और 38 एक बार, दो बार और तीन बार आ रहा है, ठीक है ठीक है, तीन बार आ रहा है। उसके बाद 37 दो बार, ये आपके पास दो बार आ रहा है। 25 एक बार, दो बार, तीन बार आ रहा है, ठीक है। और 26 एक और लिख लो इधर लास्ट में, 38 फिर से लिख दो, ठीक है, 38 चार बार, और 26 जो है एक बार आ रहा है। तो इसमें आपका जो आंकड़ों का बहुत लक्ष्य होगा, अंकड़ों का बहुलक, तो आपको पता है इधर अंकड़ों का बहुलक क्या होगा। देखो आपको पता 29 जो है एक बार ही आ रहा है, ठीक है, 29 एक बार आ रहा है, 28 एक बार, 38 जो है चार बार आ रहा है आपका, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, ठीक है। और 37 जो आपको दो बार ही आ रहा है, ठीक है, और 25 भी आपका तीन बार आ रहा है, ठीक है, और 26 एक बार। तो आंकड़ों का बहुलक आपका कितना होगा, 38, ठीक है। जो संख्या बार बार आ रही है वो आपका बहुलक, अगर जैसे एक और संख्या नहीं लेते तो दूसरी हमारे पास 25 आ जानी थी, क्योंकि 25 भी दो बार आ, तो हमने ये बढ़ा के जो मैंने आपको बताने के लिए ये किया, ठीक है, तो इसी हिसाब से करना है ये। तो लास्ट हमारा इधर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं आपके पुलिस वगैरह में जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब है परास, लास्ट हमारा परास मतलब परास्त करना, दबाना, इसका मतलब क्या हुआ, परास्त करना मतलब, परास्त मतलब बोलते हैं परास्त, परास्त बोलते हैं परास्त करना, जैसे कि बड़ा जो आदमी होता है छोटे को दबाता है, परास्त करता है, तो दैट इज मीन परास्त, ठीक है। जैसे सबसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, ठीक है, बोलने का मतलब जो बड़े होते हैं और बड़े और छोटे जो होते हैं उनका अंतर जो है वो ऐसे ज्ञात करना है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं आपको किसी हिसाब से। तो जैसे आपके पास संख्या दी है 5, 4, 7, 12 और 20 टर्म में, तो मैंने आपको परास्त करना है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या आपके पास, बड़ी संख्या कौन सी आई, बड़ी संख्या, ठीक है, ये आपने बड़ी संख्या 20 है, और छोटी कौन सी है, 4 है, ठीक है। तो मैंने क्या अंतर, अंतर क्या होता है माइनस करना, ठीक है, तो इसको कर दो अंतर कर दिया जाए, 20 - 4 = 6, 16, तो ये आपका क्या आ गया, परास्त संख्या आ गई, ठीक है, ये आपका अंतर आ गया। तो इसी तरह से जो है ये हमने आज जो है सांख्यिकी स्टैटिक्स का मैंने आपको बताया, तो इसी तरह से जो आपने सॉल्व करना है इनको आने वाले क्वेश्चन एग्जामों में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, इससे पहले आपको कुछ करवा, एक आध दो क्वेश्चन करवाता हूँ, इसी हिसाब से आपने इनको करना है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, तो आपने करना है, इसको मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, आपके पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपको, उसके बाद रिएक्शनों रिएक्शनों 6, 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9, 8, ठीक है, कि माध्यिका वो बहुलक का माध्यकर वो बहुलक, ठीक है, बहुलक का माध्य ज्ञात कर लिया, माध्य कितना है, ठीक है,
ठीक है, तो माध्य का भी मैंने आपको बताया था, मध्य वाली और बहुलक का मतलब मैंने आपको बार बार बताया था, ठीक है। तो आपने निकालना है इसे, कैसे निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था माध्य का निकालना है, माध्य का फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको और ये भी बताया था मैंने, ठीक है। तो माध्य का फार्मूला तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, माध्य का एन प्लस वन अपॉन टू बताया था मैंने, उसी हिसाब से हो गया। और बहुलक का मतलब मैंने बार बार आना, ठीक है, तो मैंने वो बहुलक बताया था, ठीक है। और इसका बहुलक, और इसमें लास्ट में जो माध्य निकालना है, ठीक है, और मीन भी निकालना है इसमें। करो 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 जल्दी, शाबाश। तो पहले माध्य का क्रॉस मैं इसको बता देता हूँ आपके पास, देखो 6 + 6 + 9 + 14 + 8 + 9 + 9 + 8 है, ठीक है, ये आपके पास है। कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, ठीक है, अपॉन 8 कर लो, ठीक है, इसको जमा करो आपके पास 69 आ गया, ठीक है, ये आ गया इसका। तो इसका 8 का टेबल पढ़ना है, 69 तक ये जो है 64 65 66 67 50, तो ये जो है फिर से 0.5 में ऐसे से बार बार चलता रहेगा, ठीक है, इतना कर सकते हैं आप इसको। और बहुलक, अब बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो बार बार कौन सी संख्या आ रही है, बार बार 9 ही आ रहा है, ठीक है, बहुलक 9 हो गया, ठीक है। अब माध्य ज्ञात करना आपने, ठीक है, माध्य, माध्य इसमें तीनों को साथ में हो गया, माध्य, माध्य का फॉर्मूला क्या है, माध्य का, माध्य का प्लस बहुलक अपॉन टू, ठीक है। तो माध्य का कितना आ रहा था आपके पास, 8.5 प्लस बहुलक कितना, 9, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, तो ये आपका आ गया 17.5 अपॉन 2। इसको डिवाइड कर देना आपने, ठीक है, 2 से कर देना, तो 2 से 8 दूने 16 7 दूने 8 दूने 16 पॉइंट इधर 15 7 दूने 14 इधर 5, ठीक है, तो आ गया आपका 8.75, ठीक है, ये आंसर आ गया आप लोगों। तो इसी हिसाब से मैंने एक ही क्वेश्चन में जो आपको तीनों जो है करवा दिए, ठीक है। तो आपने कल जो है एक और क्वेश्चन करवा करके लाना है, ठीक है, तो नोट करना था, तो इसको मैं लिखवाता हूँ आपको, आपने ये कल करके लाना है, एक मिनट। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं माध्यांक वगैरह का निकालने का जो है पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आंकड़े, आंकड़ों, एक आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, आंकड़ों में जैसे 5 5 5 6 7 8 9 9 9 8 6 3 2 1 7 5 6 1, ठीक है, ये संख्याएं दी गई है, ठीक है। तो इनके माध्यांक, माध्यांक, माध्य कोमा बहुलक कोमा माध्य कोमा प्रास, इधर तथा कर देना, तथा प्रास का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो आज ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तो करके लाना है, और आपने कमेंट में मुझे बताना है इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।